Dear student, in the last lecture we have studied all the types of vectors necessary for physics. Vectors makes a very important mathematical tools for the study of physics properly. जैसे हम लोग जब फाइटिंग करेंगे means युद्ध के मैदान में war ground में तो definitely you should have weapons कि आप अपने आप को protect कर सकें. वैसे ही फिजिक्स के प्रॉपर स्टडी के लिए यू शुड हैव सर्टन टाइप ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड इन विच वेक्टर फॉर्म्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. अगर आपको टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो यू कैन यूज़ टू टाइप्स ऑफ लॉज. First is called as triangle law and the second is called as parallelogram law of vector addition. As their name is self-implicit, so let we are taking two vectors, A vector, B vector, again A vector, B vector. Aap vectors ko arrange kaise karenge? सिर्फ उस बेसिस पर आप एक डिफरेंट टाइप का लॉ फ्रेम करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द पॉइंट एट विच वी अप्लाई एन एरो इज कॉल्ड एज एरो हेड. तो फॉर द कन्वीनियंस वी कॉल देम एरो और हेड भी बोलते हैं हम. एंड दीज थ्री पार्ट्स आर कॉल्ड एज टेल. तो वेन एवर यू हैव टू अप्लाई द ट्राइंगल लॉ आप सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर एडजस्ट करेंगे लाइक दिस. बी को आप धीरे धीरे शिफ्ट करते करते ऐसे शिफ्ट करते करते ए के हेड पर प्लेस कर देंगे. तो बी के टेल को आपने ए के हेड पर शिफ्ट कर दिया. Now this is the system means मैंने equal vector को parallel translate कर दिया. So now this is A vector and it is B vector. Now you can see angle बनने की favorable condition नहीं है because angle बनने के लिए two vectors must be co-initial or co-terminus. तो पहले इस point पर आपको हल्का सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मींस ऐसे. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा मींस द सप्लीमेंट्री एंगल एंड द फेवरेबल कंडीशन ऑफ एंगल मेकिंग. अब आप ए के टेल से बी के हेड को जॉइन कर देंगे डायरेक्टली लाइक दिस ऐसे और इसमें साइकिल ब्रेक कर देंगे. एज द साइकिल इज ओ टू पी, पी टू क्यू एंड जो हमने इनकम्प्लीट साइड ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट की उसने आपको रिजल्टेंट मींस एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दिया. तो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस B vector and O Q का magnitude means उसकी length आपको R का effect देगी as well as इसका जो direction होगा P vector के साथ वो आपको दे देगा the direction of resultant. So the formula for magnitude of resultant will be under root of A square प्लस बी स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट याद से लगाएंगे 2ab इंटू कॉस कोसाइन ऑफ एंगल का ध्यान रखेंगे आप. इफ़ दिस एंगल इज गिवन एज थीटा देन यू विल टेक दिस एंगल एज 180 डिग्री माइनस थीटा. तो आप यहाँ पर वॉट एवर इज द एंगल गिवन you will take this angle that is the smaller angle between two vectors. क्योंकि अभी मैंने a vector को यहाँ translate किया था
So now this may be OP, that is the new position of translated vector. So इस बात का बस आपने precaution लेना है कि you have to take the smaller angle between A vector and B vector. तो इन दोनों में से compare करके देख सकते हैं हम, this is the smaller angle, so let denoted by theta, so this will be cos of theta. So by this formula we can find the length of the resultant. Next comes the direction of resultant. This is alpha equal to tan inverse, second vector is b vector, this is b sin theta divided by a plus b into cos theta. So by this formula we can find the angle between the resultant and the first vector. And now I will be showing you an activity in which we can represent the situation when to apply and how to apply the triangle law. And one more thing, as you will change this angle, the resultant's magnitude as well as direction will change. That we will study in the activity. So enjoy the activity. आपको explain करने के लिए I have taken two types of ribbons, two color ribbons. First ribbon I have taken blue, as you can see easily. और इसमें जो नॉट होगी उसको आपको एज्यूम करना है कि इट इज़ द एरो हेड ऑफ द वेक्टर एंड द सेकेंड वेक्टर इज शोन बाय द गोल्डन कलर बैंड. इसमें भी जो नॉट है उसको आप एज्यूम करेंगे एरो हेड. सो दीज टू वेक्टर्स आर मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर. मीन सपोज दिस इज योर हाउस, आप जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, that shop is closed, आप instantly दूसरे shop के search में जाते हैं. तो this is just one after another vector. So only solution to add these vectors is the triangle law. तो आपके पास ये होगा net addition vector. See, this is showing the arrowhead again. So this is net displacement, कि आप ऐसे ना जाकर इस शॉप तक डायरेक्टली भी जा सकते थे. नेक्स्ट हम ले लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सेम लेंगे बट जस्ट आई एम चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन. अब आपके पास ये जो एरो हेड है और जो रिजल्टेंट है, यू कैन सी इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड. ठीक है, अब थर्ड हम फिर से इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं. सो आई एम टेकिंग इट एज 90 डिग्री. नाउ यू कैन सी मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का चेंज नहीं हो रहा है, बट ओनली आई एम चेंजिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. सो यू कैन सी नाउ दिस नीडल इज स्मॉल टू शो द रिजल्टेंट. सो दिस शुड बी ऑफ द लार्जर लेंथ और जो एरो आएगा वो इसी तरफ एरो हेड सेफ्टी पिन के डायरेक्शन में आएगा. अगेन आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. अब मैंने दोनों के बीच में एंगल फिर से चेंज कर दिया, तो नाउ यू कैन सी द रिजल्टेंट विल बी मोर लॉन्गर. और चेंज कर दिया, एंगल इज मोर लॉन्गर. So according to the angle between these two vectors, we can see that the magnitude as well as the direction of the resultant. So hope you have enjoyed the activity. Next is second law, which is called as parallelogram law of vector addition. As the name suggests, कि आपको यहाँ एक parallelogram law बनाना है. तो इनफैक्ट आप ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ को एक दूसरे के ऑक्सिलरी एड बोल सकते हैं. मींस हेल्पिंग एड वन और मोर, दे आर द सेम लॉज. बट सिर्फ इसमें, जैसे हमने इसमें यहाँ बी के टेल को ए के हेड पर रख दिया था, ओवर हियर वी विल बी कंबाइनिंग बोथ द टेल्स टुगेदर.
So we will place them like this. This is A vector and B के tail को हम shift करते करते A के tail पर ले आएंगे. So now this is B vector and a parallelogram बनाएंगे. So this is the drawing of parallelogram. अब इस parallelogram में आपको दो diagonals मिलते हैं, but ऐसा diagonal which is passing from the common point of two vectors will give you the resultant. So this is called as main diagonal of the parallelogram. So it is giving us A vector plus B vector. Now see, यहाँ A and B के बीच में angle formation की favorable condition है. So this is directly assumed as theta and the direction of resultant is denoted by alpha. Now again, the magnitude of diagonal as well as the direction of diagonal, that is resultant, main diagonal, are to be represented by same formula. So these two formula to be applied in parallelogram also. So now we will be taking R equals to under root of A square plus B square, yad se bracket 2ab cos theta, and the direction of resultant is tan inverse B sin theta divided by A plus B cos theta gives us the angle what the resultant makes with the first vector. Now we will be going for the activity of parallelogram law. Do a simple activity for the addition of two vectors in the form of parallelogram law of vector addition. We want to show as one force shown by purple color of magnitude 2 Newton will remain fixed at its place, but the second force, which is double of the first force, that is 4 Newton, shown by different shades of blue color, as it revolves, it changes its angle with the 2 Newton, then the magnitude of resultant will go on changing. So let's take first case, as both are in the same direction, then the resultant R1 will just add two forces and giving up to 6 Newton. This is the maximum of the resultant. Then in second case, as shown by second shade of blue color, completing parallelogram and drawing the main diagonal, now R2 will lie between 2 Newton and 6 Newton, that is between minimum and maximum. Now the third shade of blue color means it is completely perpendicular to 2 Newton force. Now rectangle is formed in the form of parallelogram and the resultant R3 is shown by the red color, and it will be according to the Pythagoras theorem, under root of 2 square plus 4 square means under root of 20, so it is around 4.5 Newton. Then fourth case is, again parallelogram is drawn, but the resultant is shown by the main diagonal, that is R4. And in the last case, when the darkest shade of blue color, that is 4 Newton force, is exactly opposite to first force of 2 Newton, we get the minimum of the resultant, that is 4 minus 2, it is 2 Newton. So it shows that the minimum and maximum values lie between F2 minus F1,
and F2 plus F1. So this is a figure for polygon law of vector addition. This law, as the name implies, poly means bahut sare. So if we have to add more than two vectors, polygon law of vector addition is used. So let I am taking four vectors to be added. O to A is A vector, O to B is B vector, O to C is C vector and O to D is D vector. अब ये सारे के सारे वेक्टर्स का ओरिजिन कॉमन पॉइंट है O. तो एक फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट वेक्टर्स. दिस इज़ फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एज वेल एज दोज वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स, कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. तो सपोज पॉलीगन लॉ लगाने के लिए आपको सिर्फ ये वेक्टर्स का अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा. रिकॉलिंग द थिंग्स, अ वेक्टर इज शोन बाय एरो हेड. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टेल. ठीक है, अब सबसे पहले आपने O टू A को इक्वल वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर दिया, मींस दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर दिया. नाउ ऑन द हेड ऑफ A वी शिफ्ट इस तरह से धीरे धीरे स्लाइटली लोकेट करते हुए हम B का टेल A के हेड पर लाकर रख देते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस. अब हमें B का भी हेड मिल गया. सो अब हम B के हेड पर C का टेल, सी दिस, इस तरह से C का टेल लाकर रख देंगे हम ऐसे. और अब जहाँ पर C का हेड होगा, हम धीरे 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 D का टेल उसके ऊपर लाके रख देंगे. सो वी गेट दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इन विच देर आर द चांसेस टू ऑब्टेन पेंटागॉन. बट इफ आई डोंट गेट दिस साइड, बिकॉज ये पार्ट तो ब्लैंक रह गया, यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, तो आपको एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन मिल जाएगा. इनकम्प्लीट पॉलीगॉन, तो उसको आप ड्राइंग करके कंप्लीट करेंगे. सो आपको अपने स्केल को कितने लेंथ वाइज ड्रॉ करना पड़ता है कंप्लीट करके स्केल से, ये पॉलीगॉन और पेंटागॉन को कंप्लीट करना पड़ता है, दैट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लास्ट साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट एंड दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर. और इन अदर केस यू कैन ऑल्सो टेक दैट कि सबसे पहले आप दो वेक्टर्स को ऐड कर दें. सो आई एम ड्राइंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सेकेंड मेथड. तो सपोज आई एम टेकिंग ए एंड बी एज को इनिशियल. तो जब भी को इनिशियल होते हैं आप पैरेललोग्राम लगाते हैं. तो सपोज़ आपने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया ऐसे, दिस इज़ कंप्लीटेड पैरेललोग्राम, और इसके कॉमन डायगोनल से आपने बना लिया, दिस इज़ रिजल्टेंट वन ए प्लस बी. अब आप इस रिजल्टेंट को इस सी के साथ ज्वाइन करेंगे. अगेन यू कैन सी दिस आर वन एंड सी आर को इनिशियल. तो अगेन यू कैन मेक अ पैरेललोग्राम ऐसे फिर से बना सकते हैं, फिर इसके डायगोनल से, फिर से इसके मेन डायगोनल से आपको आर टू मिला, विच इज़ इक्वल टू आर वन प्लस सी वेक्टर. आई होप क्लस्टर नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा. इफ़ नहीं, इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो आप फिर से उसको रिव्यू करें थोड़ा सा. अब हमारे पास सिर्फ ऐसे दो वेक्टर्स बचे हैं, दिस इज़ ओ डी एंड दिस वेक्टर. इसको मैंने फिर से पैरेलल ट्रांसलेट कर लिया ऐसे, और इसको मैंने बोल दिया अभी आर टू वेक्टर.
और फिर मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया, चेक दिस लाइक दिस, तो मुझे ये वेक्टर मिल गया अभी ऐसा, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं ओ डी से. सपोज दिस इज़ डी और दिस इज़ बी पॉइंट, ठीक है, बी डैश ले लेते हैं हम इसको. सो ओ बी डैश इक्वल टू क्या होगा आपके पास, आर टू प्लस ओ डी. एंड वॉट इज़ ओ डी, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट फ्री वेक्टर, बट वॉट इज़ आर टू इक्वल्स टू आर वन प्लस आर वन प्लस सी वेक्टर, बिकॉज ओ डी इज़ डी, तो आई कैन राइट इट अलोन डी. नाउ वॉट इज़ आर वन, दिस इज़ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर. तो इन दिस केस वी कैन फाइंड अल्टरनेट प्रूफ. नाउ वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ. सी दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मॉड्यूलस दैट देयर लेंथ्स आर इक्वल and mutually perpendicular, means the angle between A and B is 90 degree. Now we have to show by vector diagram. Check this. This method of showing anything by vector diagrams is called as, note down, analytical method. So analytical method in vectors is a method which is also called as geometrical method. And for NEET and JEE, to save the time, this method is the best time. Although scale is not provided there, but you can use these equal sections of the finger to solve the problem very quickly. We can assume these as the three parts of the scale. Next is vector diagram means analytical method. So we have to show that vector sum, that is A plus B, and vector difference, that is A minus B, will be of same length and mutually perpendicular. Now by these boxes it is clear that we don't have to apply any formula, no quantitative analysis will become, only geometrical method, which is also called as analytical method, is to be used. So suppose I am taking A vector. Let this A vector is of this much length. So at 90 degree I have to take B vector, and this is also of the same length. And according to the instruction given, both are making an angle of 90 degree. Now they are going like co-initial vectors. So we can make, translate B vector over here to apply the triangle law. So suppose I am making it here. Now this is B vector. Now vectors are going in continuation. So this will be, इसको मैं ऐसे आपको curly दिखा देती हूँ. This is A vector plus B vector by triangle law of vector addition. तो ये आ गया आपके पास addition, that is vector sum. Now to find vector difference, actual A minus B is not an independent operation. How can we write A minus B as vector A plus minus vector B, and this is called as negative of the vector. So if B is upward, how minus B will be downward. So over here, just reverting the direction of this arrow, we can make minus B. अब आपके पास triangle law फिर से लगने को ready है. So we can complete the third side of the triangle. Now adding these two vectors, this is A vector plus minus B vector. So it is overall A minus B. So
this is A vector minus B. Hence proved that they are of the same length. You can measure them. This is 1, 2, this is 1, 2, and the angle between them is 90 degree, as this is isosceles triangle. Got it? This is next question. Two forces are given, and as we know, forces are vector quantities. Magnitudes are given as 3 Newton and 4 Newton, and they are acting simultaneously. This word is very much important because it tells that both vectors are co-initial vectors, and definitely you have to apply parallelogram law because it is the case of two co-initial vectors. Now the angle between these two forces is 60 degree. आपको resultant निकालना है, तो suppose this is not mentioned, still you have to find magnitude as well as direction, because according to units and measurement principle of homogeneity, force plus force जब भी आप add करेंगे तो you will get a force. And because this is also a vector, vectors equal to vector, so vector quantity के पास magnitude भी होता है, direction भी होता है, as well as what was the third condition in the first video of vectors, it obeys the addition laws for vectors. So suppose हम एक इसका daily life का example लेते हैं, let this is a heavy trunk in your house, ठीक है? मम्मा दिवाली का क्लीनलीनेस प्रोग्राम करवा रही हैं एंड मम्मा इज अनेबल टू शिफ्ट दिस हैवी ट्रंक और हैवी बॉक्स देन शी कॉल्स यू फॉर द हेल्प. तो जाओगे ना बच्चा, आप जाते हैं तो मम्मा और आप मिलकर अभी ट्रंक को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन 1, 2, 3. ग्राफिकल स्केल या ज्योमेट्रिकल मेथड से भी हम ट्राई कर सकते हैं. एंड मम्मा इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, तो ऑब्वियसली दिस वेक्टर विल हैव अ बिगर लेंथ 1, 2, 3, 4, एंड द एंगल बिटवीन इज बोथ द वेक्टर्स इज 60 डिग्री एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो वेयर द रिजल्टेंट लाई, मतलब आपका और मम्मा का फोर्स मिला के टोटल कितना फोर्स होगा, तो आप इसके लिए एक क्लू भी लिख लेंगे. वेन एवर यू फाइंड द रिजल्टेंट, आपके पास रिजल्टेंट मैक्सिमम का आंसर आएगा दोनों फोर्सेस का एडिशन, एज वी हैव डन द लास्ट एग्जाम्पल. एंड आपके पास रिजल्टेंट मिनिमम का आंसर आएगा F1 symmetric difference, F2 symmetric difference means whatever will be the bigger, that will subtract the smaller one, means always you will get positive answer. So over here, what is maximum force applied by you and mama? So that is 3 plus 4 means 7 Newton. मतलब दोनों मिलकर जब ट्रंक को एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, देन द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड विल बी, कंबाइंड एफर्ट अप्लाइड विल बी 7 न्यूटन. एंड सपोज आपने और मम्मा ने मस्ती करनी शुरू कर दी और हंसी मजाक में दोनों फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, सो दैट विल बी आर मिनिमम मींस 1 न्यूटन. तो हमारे पास इस कोर्स का जो भी आंसर आएगा वो 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में लाए करेगा. सो लेट्स ट्राई. आपने बनाया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल है वो मैग्नीट्यूड 1 एंड 7 के बीच में लाए करेगा, एंड एज यू विल चेंज द एंगल द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट विल गो ऑन चेंजिंग, दैट वी हैव कवर्ड इन द एक्टिविटी पार्ट. ठीक है, अब व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ब्रैकेट 2F1 F2 इनटू cos थीटा, पुट ऑल द वैल्यूज, दिस इज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इनटू 3
60 डिग्री. अब 10th क्लास में आपने देखा हुआ है cos 60 डिग्री इज हाफ, सो दिस इज रूट 9 प्लस 16 प्लस, व्हेन यू प्लेस हाफ इंस्टेड ऑफ cos 60 डिग्री, दिस 2 बाय 2 इज कैंसल्ड, सो इट रिमेन्स 12. नाउ दिस इज 25 प्लस 12 इज रूट ऑफ 37, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ फोर्स, एंड इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 6 से बड़ा आएगा, सो इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग. तो हो गया वेरीफाई कि द रिजल्टेंट फोर्स विल लाई बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम. इट इज ऑलवेज ट्रू. नेक्स्ट वी फाइंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विथ द फर्स्ट फोर्स. ठीक है, तो हम लोग लेते हैं अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज टेन इनवर्स एफ टू इज 4. क्वेश्चन में जो भी आपको सेकेंड क्वांटिटी गिवन है उसको आप सब्सक्रिप्ट 2 देते हैं, तो दिस इज 4 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय एफ वन इज 3 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री. नाउ आई एम सॉल्विंग इट हियर, सो दिस इज अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 इंटू रूट 3 बाय 2 वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड 3 प्लस, अगेन वी आर पुटिंग हाफ, सो दिस विल बी 3 प्लस 2 मीन्स इट विल बी 5, सो 10 इनवर्स 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द फर्स्ट फोर्स. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग ओनली द न्यूमेरिकल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सो लेट्स वॉच एंड एन्जॉय. थैंक यू.